वीर स्विमिंग पूल और उसके अंदर मछलियां भी, एक से बढ़ के एक रिएक्शन आ रहे हैं। तो सीन में अभी हम ये कर रहे हैं, कोशिश करें हम भी ब्लॉग में आने, कोशिश करें मौसम और तूफान देख रहे हैं। सारे परिंदे इधर आ रहे हैं, खतरनाक तूफान उफान लग गया, बिल्कुल खराब हो चुका है, मिट्टी आ चुकी है, परिंदे बिल्कुल गायब ही हो गए, दिख ही नहीं रहे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम हो गया आप लोग अनदर ब्लॉग में। सब ने सलाम के जवाब देने लाजमी कमेंट्स में, देखिए आगे ब्लॉग में क्या क्या सीन करते हैं हम। गाइस चेक करें आज का मौसम क्या खतरनाक बना है, और वो नीचे करिए वन रैप्टर। आज मैं सोच रहा हूँ ब्लॉग बनाया जाए, क्या नाम है, वाटर चैलेंज। तो सीन में अभी हम ये कर रहे हैं, कोशिश करें हम भी ब्लॉग में आने, कोशिश करें मौसम हो, तूफान देख रहे हैं बहुत तूफानी मौसम बना है, और सारे परिंदे इधर आ रहे हैं, खतरनाक तूफान वूफान लग गया है। मौसम का प्रोग्राम बिल्कुल से बढ़ गया है, बहुत खतरनाक मौसम है, ये रिवो डाला उड़ रहे बहुत दूर से, फोर्ड लिफ्ट नहीं करवाते वैसे। अब मौसम थोड़ा बेहतर हो गया, कुछ हद तक डिम हो गया, अभी देखते हैं एक दोस्त को बुलाए, देखते हैं कब तक आता है, तो इशारा करते हैं सीन आगे। Few moments later. गाइस तूफान भी आ गया और बारिश भी शुरू हो गई, मुझे लगता है कि कल ही सीन करना पड़ेगा वीडियो का, अब देखते हैं कल क्या सीन बनता है। Tomorrow. So guys, हमारा नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका है, सुबह के 6 बज रहे हैं, अभी देखते हैं जाके सामान वामान वगैरह देखते हैं जिसमें से पूल हमारा तैयार हो सके। तो फिजा और आसमानों के नीचे, और ये हमारे नदीम भाई पड़े हुए हैं, और ये हमारी जायज टूर खड़ी हुई है, इसको बहुत जल्द इंशाल्लाह हम जायज टूर में तब्दील करेंगे। नदीम भाई को हम उठाते हैं, फिर चलते हैं जाके सामान लेते हैं। भाई मौसम चेक करें सिर्फ, क्या भी अभी मौसम बना है, बारिश के बाद बिल्कुल अच्छा खासा VIP से मौसम बन चुका है, अभी देखिए अगर आज फिर बारिश हुई फिर और मज़ा सीन करेगा, बारिश के बीच में चैलेंज अच्छे से। भाई फुल नींद से उठ के काफ़ी गुस्से से बाइक को निकाल रहे हैं, गुस्से में हो नहीं हो नदीम भाई, गुस्से में हो नहीं हो, नहीं, नहीं।, नहीं हो, चलो सही है। भाई चौकीदार भाई हंसते हुए नदीम भाई पे मुफ्त हुए, कैसे कैसे आपको क्या लगता है चैलेंज कैसा होएगा हमारा? चैलेंज जबरदस्त होएगा। हाँ चले, उसके बाद प्लास्टिक क्या करना था आपके उधर झोंपड़ी को बिल्कुल VIP करना है, चले कोई अगर अच्छा सा शॉपर मिल जाए फिर उसी में हम लगा देंगे, ठीक है, ओके ओके चलते हैं गाइस, मिलते हैं फिर आपसे मार्केट में। स्टेशन रोड पहुँच गए हैदराबाद के, और इस बाइक से शॉपर पता करें, काफ़ी शॉपर दिख रहे हैं, देखते क्या सीन बनता है। और ये तरपाल पसंद आया है नदीम भाई को, देखते हैं अभी ट्राई करते हैं जाके। भाई ये तरपाल नदीम भाई को समझ आया, अब इसको पैक करवाते हैं फिर जाके देखते हैं क्या सीन बनता है। के पास ही नदीम भाई ने नाश्ता देख के, और नदीम भाई को डायरेक्ट भूख लगी अचानक से। कैसे नदीम भाई, भूख लगी नहीं लगी या नहीं खाओगे? नहीं नहीं अच्छा खाओगे। गाइस आप लोग से घर पहुँच के फिर मिलते हैं। गाइस घूमते फिरते एक आइडिया मुझे फिर से आ गया, ये थोड़े मछलियाँ भी डाल लेते हैं गाड़ी में उठा के, क्या बोलते हो? बल्कि आप लोग क्या बोलोगे आप लोग वीडियो में देख लेना, कमेंट में बोलना कैसा था। तो ये सीन है भाई, अब मछलियाँ भी कुछ उठाते हैं, देखते हैं कैसा आएगी वीडियो। गाइस ये फिर मछलियाँ ले रहे हैं हम, इधर भिखारियाँ मार रहे हैं देख रहे हैं, अभी ये मछलियाँ मिले और ये पार्सल कर रहे हैं, ये भी डाल रहा है ये भाई, सारे ले लिए बड़े बड़े साइज के ले लेके, नज़र भी अच्छे से है और बहुत शोर है यहाँ पे, इसलिए ब्लॉग तो सही नहीं बन रहा। नूर भाई पेमेंट कर दे, कितने हो गए भाई जान, कंफ्यूज क्यों ब्रो, क्या सोच रहे हो, बेगम से नाराज हो क्या, पटा हुआ है जा रहे घर की तरफ, देखते क्या। गाइस ये मछलियाँ भाई बाल्टी में डाल दी, अब थोड़ा पानी इसमें डालते हैं, टेम्परेचर मेंटेन करना, नदी में यार पानी डालना, इसमें पानी डालते जाएंगे कि इसका टेम्परेचर मेंटेन हो जाए, फिर सेम वाटर के टेम्परेचर में सेम हो जाए लोग फिर जाके छोड़ेंगे, वरना फिर डायरेक्ट मर जाएंगे। दुकान वाले का कि 5-10 मिनट इसको ऐसे ही छोड़ना है, फिर उसके बाद आपको इसे पानी में मतलब छोड़ देना है। A few minutes later. देखते हैं किस तरह है। खोल के तो खाना भी डाल दिया ने। ये भाई फुल इंजॉय करते हैं मछलियाँ सारी। चलो फाइनली इसका साइज तो बराबर आ गया, इसको बांधते हैं, इसके फिटमेंट बनाते हैं, फिर देखते हैं क्या सीन बनता है अंदर। ये लुक आ रही है भाई, कैसे नदी भाई एंजॉय कर रहे हैं? बिल्कुल जबरदस्त है। हाँ डबल डबल बना के बांधते हैं इस पर नीचे से, इसको
तरफ नीचे से गिटार दे के गाड़ी की यहाँ पे बांध दी, उसको एडजस्ट कर दिया, अभी दूसरे साइड के चारों तरफ के बांध के फिर ये भाई शापर वगैरह लग गए अंदर से, ऐसे लुक भर है इसका काफ़ी बड़ा है भाई। एक भाई अंदर से ओहो स्वच्छे खाते 10-12 बंदे आ जाए बिल्कुल, कुछ बॉयज भी आ रहे हैं वो ज्वाइन करें, फिर देखते हैं आगे क्या सीन बनता है इसमें। Six and a half hours later. भाई ये काफ़ी वेट करवाने के बाद 7 भाई भी पहुंच गए। इंस्टा पे आप बिल्कुल फेमस होते हो, हमें लिफ्ट भी नहीं करवा रहे आजकल, और ये उनके भाई अजीज दोस्त उनके साथ होते हो, एक नया कज़न भी अपने साथ लाए। 7 भाई हो जाए रिव्यू पर हमारा, रिव्यू नहीं रिव्यू से ऊपर का काम हो रहा है। चले फिर तो ओके हो गया सीन भाई, जैसा मैंने बोला था अपने पास यहाँ पे पानी आ चुका है, ये रहा पानी और ये रहे मेरे हाथ। अब इसको भरने में भी पता नहीं बहुत देर लगेगी, क्योंकि भाई आपको पता है ना कौन सी गाड़ी है ये, अभी मैं बाहर से भी दिखाता हूँ। ये पूरा भर रहा है, वो रखी हुई है अपनी मछलियाँ और ये रहा पानी फुल, देखो प्रेशर से आ रहा पानी भाई, ये पानी वानी भर रहे हैं, पानी भर जाए अच्छे से फिर कहते हैं अपने फिश भी लाते हैं, फिश भी रेडी हो रहे हैं वहाँ से आने के लिए। फिश तो फिश में दिखेंगे नहीं दिखेंगे सब डालेंगे, ऐसे नहीं पिचक नहीं मिलेंगे पाँव माओ के नीचे। हमारे इम्पोर्टेड फिश वापस पहुँच गए 7 भाई, बिस्मिल्लाह करें। लोग आम डाल रहे हैं, हम यहाँ मछलियाँ डालेंगे, कहाँ गए ये तो पहल गए इधरी उधरी बिल्कुल मछलियाँ हमारी तैरते हुए 7 भाई मछली का शिकार करते हुए बिल्कुल समंदर में बैठ के, मतलब छोटे छोटे टिक्के बनाऊंगा आज जितनी देर में बढ़ेगा उतनी देर में मछलियाँ बड़ी हो जाएंगी। तो भाई ये कैसा हो रहा है, ये दरवाजे में थोड़ा सा अटक रहा है, तो अभी हम इसको थोड़ा मुश्किल से निकाल रहे हैं। भाई फाइनली अपना हाथी बाहर आ गया, ये रहा और इसमें ये पानी भर गया। अब निकालते हुए ना थोड़ा सा इसमें से पानी भी थोड़ा कम हुआ है, लेकिन खैर देखते हैं जुगाड़ करते हैं। बहरहाल अब असली मजा आने वाला है, पानी हम लोगों ने डाल दिया, अभी आगे अपने सफर में रवाना होते हैं। मछलियाँ भी हमारी तैर रही है, फिर देखते हैं आगे क्या क्या सीन करना है, क्या करना है। 7 भाई भी तैर रहे हैं मछलियों के साथ, बड़ा मछली येलो फिश। निकलते हैं भाई आगे सफर में फुल स्लो, मछली पकड़ते शुरू करते हैं। भाई सच में जैसा मैंने बोला था वैसे ही हुआ, पाकिस्तान में पहली दफा 5000 सीसी वेट स्विमिंग पूल। हाँ ये कर लो पहले, उसके अंदर मछलियाँ भी और ये बड़े वाले मछले भी, क्या हो रहा है अबे भाई अबे छोटू को भी ब्लॉग में ले लिया हमने 15, हमारे उम्र में हम लोग चैया चैया से खेलते हैं और ये 15 15 वाह छोटू वाह नाइस हो गया, डाल दे गाड़ी में ले पार्सल करवा दे। जैसा मैं कह रहा हूँ ना कि अलग आइडिया होता है ना सब हो जाता है। अभी देखो रोड पे लोग रोक रोक के बोल रहे कि भाई हमारे बच्चों को बताओ, ये देखो ये लोग नए बच्चे भी आ गए, ये हमारे पैर आ गए पानी में, मैंने बोला था ना यार आइडिया अच्छा हो तो भी हो सकता है। ये देखो भाई हमें मिल गए रास्ते से, जो फिश पकड़ रहे हैं अभी 15 प्रो मैक्स वाले भाई, हम लोग प्रो इस टाइम चाहिए इस्तेमाल करते थे इस दौर में, आप 15 चला रहे हैं फिश पकड़ के, तो भाई को फिश पकड़ के दो, ये फिश गई फिश गई ये फिश 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 गई, ये तो प्रैंक हो गया आपके साथ भाई, ये पकड़ लिए पकड़ लिए पकड़ लिए बड़े बड़े फिश आपको दे दी पानी मच्छर डाल देते हैं बस इसको भाई। अभी पानी तो थोड़ा सा गर्म हो गया है क्योंकि हम इसमें बैठे हुए काफी टाइम से, तो अभी हम सोच रहे हैं कि इसमें बर्फ डालें, बर्फ डालते हैं और फिर और मजा आएगा, बर्फ डालते हुए कोल्ड ड्रिंक पीते हुए चलेंगे।
गंजे एक से बढ़ के एक रिएक्शन आ रहे हैं, क्योंकि अपने काम ही ऐसे हैं। अपने ठंडक नहीं बड़ा फायदा, और इतनी कोई पैर डालते ही इतना पैरों में मेरी ठंडक लग रही है ना। बर्फ बर्फ वगैरह डाल दिए सारे, अभी एंजॉय करते हुए रिएक्शन भी बड़े कैप्चर कर लिए, फिर वो वीडियो में आपको दिखाते हैं। अब ये कौन है बे? ये नाफे भाई आ गए। नाफे क्या है? नाफे यार। वगैरह ले लिए, अब इसको खाते हैं, खाने के बाद मिलते हैं। कैसे नासे भाई? ये पंप पे पहुंच गए, थोड़ा सा स्टे लिया है भाइयों ने। कैसे एंजॉय हो रहा? नहीं हो रहा है? बहुत बहुत एंजॉय ब्रो। साथ भाई इधर से रेस्ट करते, थोड़े कपड़े मपड़े सूख जाए, देखते आगे ड्राइव करते हैं, थोड़ा सा चला लेते हैं गाड़ी, देखते हैं भाइयों को फुल एंजॉय करते हुए। पीछे बैठे हुए सारे फुल एंजॉय करते हैं, अभी जाते हैं पानी कहीं खाली करते हैं, फिर देखते आगे क्या सीन बनता है। के किनारे पहुंच गए, मछलियों को छोड़ते हैं इधर ही, छोटे मोटे मछलियां देखते हैं इधर, या खुराक बन जाएगी किसी बड़ी मछली का या सरवाइव कर जाएगी, बस छोड़ते हैं तो इधर ही हमको ट्राई करते हैं कुछ जगह पे परफेक्ट सी खड़ी कर कर। जामशोरम पुल के पास पहुंच गए, और गाड़ी की जो लुक आ रही है वो हो थोड़ा सा साइड पे हो ना, ऐसे खतरनाक टाइप की दिख रही है कि गाड़ी क्या बताएं आपको। अभी इधर मछलियां छोड़ते हैं, देखते हैं इस पानी में सरवाइव करेंगे, मुश्किल है। ये सारी घूम रहे हैं भाई ऊपर ऊपर, पता नहीं दिख रही हो वीडियो में आप लोगों को नहीं, ये सारी देखे। अबे गिर गया। मछलियां तो छोड़ दी, एक बड़ा मछली भी जाने वाला, बच बचा हो गया। वो जा रही देख रहे आप, देख सकते हैं हमारा नासा भाई बिल्कुल परेशान। नासा है, नाफा है? नाफे भाई क्या हो गया यार? अब कुछ भी नहीं, क्यों टेंशन टेंशन में हो, नींद नींद में? माशुका छोड़ के गई क्या? नहीं यार इतना जरूर। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, यही तक था अभी ये ब्लॉग, फिर देखते हैं नए कंटेंट ट्राई करते हैं कोशिश करने की, ये ट्रेंडिंग चल रहा तो मैंने कहा ट्राई कर लेते हैं, बस यहीं से ख़त्म करते हैं इसको अच्छे व्यू के साथ, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग पे।